आज की कहानी का शीर्षक है गलत सलाहकार। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सही फैसला करे। चलिए इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक आदमी सड़क के किनारे समोसा बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था। ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था। और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद भी वह काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से BA की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं। पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई अगर आपको सलाह दे तो उसे सुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसला पर करिए।